मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ कर रहा जो कुछ भी हुआ किसी को नहीं बताओगे। इतना कुछ होने के बाद भी निशा इतनी रात को मुझे क्यों फोन कर रही है? निशा बोलो। विनय क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो प्लीज? निशा सब ठीक है क्या? तुम मुझे इतनी रात को क्यों बुला रही हो? नहीं विनय कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं इतनी रात को तुम्हें घर बुला रही हूँ। प्लीज विनय प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। विनय बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? पापा ऑफिस का एक अर्जेंट काम है, उसे खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। इसका काम इतनी रात को? अरे बेटा सुबह कर लेना। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इम्पोर्टेंट काम है मेरा, जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। अरे बेटा वो सब ठीक है, ऑफिस का काम है, सुबह चले जाना, मगर रात को भोपाल। पापा प्लीज, इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे ही है, बात आप जानते हैं। कुछ दिनों में दो लोग और आ जाएंगे जिनकी जिम्मेदारी भी मुझे उठानी है। प्लीज मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए। अशोक विनय अब बड़ा हो गया है, बहुत जिम्मेदारियां हैं उस पर, उसे जाने दे। अशोक बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमें उन पर अपना भरोसा बढ़ा देना चाहिए। वो अपने आप सब कुछ अच्छे से संभालना सीख जाते हैं, जैसे मेरे बेटे ने सीख लिया था। अक्षय ने अपनी जिम्मेदारियां जिस तरह से पूरी की हैं, उस तरह से जिम्मेदारियों को पूरा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, किसी के लिए। मैंने वो आदमी वापस आके, उसने पहले भी सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन आज वो मेरी लाइफ को फिर से डिस्टर्ब करने के लिए वापस आके, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कौन सा आदमी निशा, क्या हुआ? जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच सब नॉर्मल होने लगा, उसने भेज दी। इसमें क्या है? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसने कहा कि अगर मैंने उसे पैसे समय पे नहीं दिए तो ये फोटोग्राफ वो मेरे हस्बैंड को भेज देगा। कितने पैसे चाहिए उसको? 15 लाख। उसके पास ऐसी कुछ वीडियोस भी हैं। उसने कहा कि अगर कल तक मैंने पैसे अरेंज नहीं किए तो ये फोटोज वो मेरे हस्बैंड को फॉरवर्ड कर देगा। मैंने उसे बताया भी, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मेरे पास अभी सिर्फ 5 लाख रुपए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है निशा, और अगर मैं चाहूं भी तो तब भी कल तक मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मीनू ये बिजनेस का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? देखो नीति, एक जॉब से कुछ नहीं होने वाला, और अब पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे आ चुकी है, और तुम भी तो कुछ दिनों बाद घर पे आ जाओगी। इसीलिए सोच रहा था कि स्टार्टअप के लिए 10 लाख तक का लोन ले लूं किसी से। किसी और से क्यों? तुम रौनक भैया से बात करो ना, आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। नितिन मेरा उनसे पैसे लेना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं बात कर लेती हूँ भैया से, कह दूंगी कि मुझे शादी की शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, और फिर जब तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाएगा तो हम भैया को पैसे वापस कर देंगे। निधि फिर भी सोचो ना एक बार, मेरा पैसे मांगना उनसे। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, बाकी तुम्हारी विश। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो रौनक भैया से तुम बात कर सकती हो। ठीक है, कब तक चाहिए तुम्हें पैसे? अब निधि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं अपना काम शुरू कर पाऊंगा, अगर पॉसिबल है तो कल सुबह तक बात कर लो।
ठीक है, मैं भैया से कल पैसे मांग लेती हूँ। थैंक यू। मैंने सॉरी, तो वो मेरी वजह से प्रीति से पैसे लेने पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है निशा, प्रॉब्लम ये है कि इन सबको मैं शुरू होने से पहले क्यों नहीं रोक पाया, वहां मौजूद होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। सब तो ठीक है, पर मैंने अगर नीति को पता चला कि तूने पैसे लेने के बाद वो बिजनेस शुरू नहीं किया तो? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, अभी हमें किसी भी हाल में उस आदमी को पैसे देने ताकि ये मामला खत्म हो पाए। और हाँ, कल सुबह तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मगर उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। रिलैक्स काजल, ये कमरा अब तुम्हारा भी है, तुम यहां आराम से रह सकती हो। मैं आज रात माँ के रूम में सोने वाला हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको मेरी जरूरत है। जी ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखा देता हूँ इन केस तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो। बाय द वे, साक्षी कहाँ है? वो निधि के रूम में? हाँ सर, वो सो गई है, पर मैं सोने के पहले एक बार उसे वापस देख कर आऊंगी। ओके। थैंक यू आंटी, आपने मेरा काम और भी आसान कर दिया। रौनक सर नहीं होंगे तो मैं अच्छे से हर कमरा चेक कर पाऊंगी। वहां बाहर कोई है क्या? क्या बात है नीति? वो भैया, वो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे। 10 लाख? यूं अचानक? नीति सब ठीक है ना? हाँ भाभी सब ठीक है। वो मैं सोच रही थी कि शादी की शॉपिंग कर लूं, फिर एंड मोमेंट पे सब इतना जल्दी जल्दी होता है, भागा दौड़ी हो जाती है बात, इसलिए। नीति पर अभी शादी की तो डेट भी फिक्स नहीं हुई है, फिर 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें उस घर में सिर्फ एक जोड़े में ही तो जाना है, कुछ लेकर तो जाना नहीं है, और वैसे भी वो घर तो बसा बसाया है। हाँ दीदी, भाभी आप ठीक कह रही हैं, पर ना मैंने इस दिन के लिए बहुत कुछ सोच के रखा था, इसलिए मैंने सोचा कुछ कपड़े, ज्वेलरी वगैरह। नीति बिल्कुल सही कह रही है काजल, मैं ही पागल हूँ जो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं। मैं कल ही मुंशी काका और अंकल से बात करके तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देता। High time you get married. काजल, नीति को तिजोरी से पैसे दे दो। नहीं रौनक सर, मैं तिजोरी कैसे खोल सकती हूँ? आप चाबी ले जाइए और नीति को पैसे निकाल कर दे दीजिए, ये लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो काजल? आज नहीं तो कल तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, हमेशा के लिए। काजल, तुम्हें चाबी इसलिए दी गई है क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए नीति को पैसे दे दो। जी।
20 लाख। तो फाइनली तुम्हारी शादी होने वाली है। भैया आप भी ना कभी नहीं सुधरोगे। मैं सुधरने वाला भी नहीं। ये लो, तुम्हारे पैसे। थैंक यू। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बोल देना। यू कैन इट। थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट। नाउ एंजॉय योर शॉपिंग। मैंने भैया से पैसे ले लिए हैं, मैं कल तुम्हें पैसे दे देती हूँ, ठीक है? नित्या, I'm really sorry. See, मुझे बहुत ज़्यादा guilty feel हो रहा है। और तुमने मेरी वजह से अपने भाई से झूठ बोला। पीनू, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। In fact, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। Besides, अब सारी जिंदगी हमें एक दूसरे के साथ रहना है, इसीलिए हमें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के रहना है ना? पीनू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों को रियलाइज किया। अच्छा सुनो, अब बहुत लेट हो गई है, जल्दी से सो जाओ, हम कल बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.